बागेश्वर के विधायक चंद्रराम दास और नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने अवस्थापना विकास नीति से बने पैदल मार्ग का लोकार्पण किया है। 7,66,000 की लागत से बने इस पैदल मार्ग में नगर पालिका ने अभिनव प्रयोग किया है। पालिका ने इस मार्ग में विशेष किस्म का पत्थर लगाया है जो कि न केवल मजबूत है बल्कि फिसलन की संभावना को भी खत्म करता है। विधायक चंद्रराम दास ने कहा कि शहर में और अधिक विकास की संभावना है, इसके लिए नगर पालिका को पूरा सहयोग किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों में दिए जा रहे सहयोग के लिए क्षेत्रीय विधायक चंद्रराम दास का आभार व्यक्त किया है। हमारा जो सरयू ट्रांसपोर्ट वाली गली है, ये बागनाथ मंदिर को जाने वाला मेन रास्ता है और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और कई इसकी जो है यहाँ पर के स्थानीय लोगों द्वारा बार बार इसको ठीक करने के लिए नगर पालिका को कहा जा रहा था। तो हमने इसका प्रस्ताव पास करके इसको अवस्थापना विकास निधि से इसमें हमने पहली बार बागेश्वर में एक पत्थर नुमा जो टाइल हैं इनको लगाने का प्रयास किया, जिसका निर्माण पूरा हुआ और आज इसका विधिवत हमारे माननीय विधायक बागेश्वर से चंद्रराम दास जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। और मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी अभी जो बागनाथ मंदिर को जाने वाली जो हमारी गली है मंगल स्वीट्स के आगे से, उसकी भी बहुत दुर्दशा ख़राब है। हमने उसका भी प्रस्ताव शासन को भेजा है, अगर उसमें हमको जल्द पैसा मिलेगा तो हम उसका भी करेंगे। उसके अलावा भी हमारे नगर के जो भी सौंदर्यकरण के कार्य हो रहे हैं उनमें हमारा काम चल रहा है। अनेक वार्डों में भी बहुत काम चल रहे हैं और अभी विधायक जी ने भी बताया है कि हम पैसे की कहीं पर कमी नहीं आने देंगे और अवस्थापना विकास निधि से हमारी एक पार्किंग चल रही है जो बागेश्वर की ट्रैफिक को लेके और पार्किंग को लेके बहुत बड़ी समस्या बागेश्वर में रहती है। उसका हमने एक टेंडर किया था जो कि 2,12,00,000 का है और उसमें जो है मुख्यमंत्री घोषणा में वो कार्य हो रहा है तो उसमें कुछ बजट की कमी आ रही है। तो आज हमको माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया है कि मैं उसके लिए पूरी प्रयास करूँगा और उसमें आपको धनराशि दिलाऊँगा जिससे कि उसका निर्माण पूरा हो सके। और नगर के अनेक सौंदर्यीकरण के कार्य अभी होने बचे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे और भी कार्य चल रहे हैं, धीरे धीरे जनता को हम सब समर्पित करेंगे और मैं सभी का धन्यवाद दूंगा जिनके द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। आज बागनाथ गली में अवस्थापना मत में नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा इस गली का जो यहाँ के लोकल पत्थर हैं बहुत सुंदर ढंग से इसका निर्माण हुआ है। इसका आज विधिवत उद्घाटन माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय हमारे इस वार्ड के मेंबर युवा साहब और सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम हुआ है। मैं इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नगर के सौंदर्यीकरण के लिए अन्य मदों के लिए अवस्थापना मद में जो धनराशि आती है उसमें नगर पालिका अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छा सुंदर काम किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और भी कई और योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है जिसमें धनराशि की आवश्यकता होगी तो शासन से धनराशि दिलाने में मैं पूरी मदद नगर पालिका की करूँगा। एक पार्किंग का यहाँ बड़ा होना आवश्यक है जिसमें अभी मेरी वार्ता हुई है माननीय अध्यक्ष जी से। मुझे लगता है कि इसी बार हम पार्किंग के लिए और पैसा अवमुक्त करा के बागेश्वर में पार्किंग की व्यवस्था को ठीक करने का हम लोग काम करेंगे। इसी तरीके से नगर पालिका में इस बार बहुत से कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। मैं मानता हूँ कि गुणवत्तापूर्वक काम अगर होंगे तो अच्छा लगेगा और आज जो ये देखने में आ रहा है अच्छा काम नगर पालिका के द्वारा हुआ है। मैं क्षेत्र के लोगों को यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।